क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, एक ट्यूब गिवन है, लिक्विड दो किस्म के लिक्विड हैं। देखो अगर एक किस्म का लिक्विड होता तो लेफ्ट और राइट पे हाइट एकदम बराबर होती। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, एक ट्यूब ड्रॉ करूँ और इस ट्यूब में ये लिक्विड लूँ, एक ही किस्म का लिक्विड है, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो ऑब्वियसली अगर एक किस्म का लिक्विड है तो यहाँ पर अगर हाइट एच है तो यहाँ पर भी हाइट क्या आएगी, एच ही आएगी। तो ये तो पता ही है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है। तो अगर मैं ये पूछूँ कि अगर बताओ यहाँ पे अगर कोई ए पॉइंट है और यहाँ पे अगर कोई बी पॉइंट है तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, तो ए पॉइंट का प्रेशर होगा यहाँ पर क्या लग रहा है, पी एटमोसफेयर, यहाँ पर भी क्या लग रहा है, पी एटमोसफेयर। तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या आएगा, पी एटमोसफेयरिक प्लस एच रो जी, और बी पॉइंट का प्रेशर भी एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। तो अगर लिक्विड सेम लेवल पे है दोनों साइड्स पे तो यहाँ का प्रेशर डिफरेंस और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके अंदर क्या सिचुएशन है, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ गया, अब क्या करें, रूल वही लगेगा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें ये लगेगा कि सपोज करो ये लिक्विड की हाइट, जो ब्लैक कलर का लिक्विड है इसकी हाइट यहाँ पर एच वन है, ये वाली हाइट ब्लैक कलर की लिक्विड की एच है, ये ब्लैक कलर की लिक्विड की हाइट क्या अगेन एच है, और ग्रीन कलर की लिक्विड की हाइट है एच टू। देखो ये तो बराबर है ना, इसमें तो सेम, इसमें तो एच और एच ही लेंगे, सेम लाइन खींच ली ना मैंने इसलिए, ठीक है। तो इन टाइप की प्रॉब्लम में क्या करना है, लिक्विड इक्विलिब्रियम में तो यहां का जो प्रेशर, यहां पे कोई पॉइंट ए है और यहां पे कोई पॉइंट बी है, यहां पे ए पॉइंट पे प्रेशर क्या आएगा बोलो, ए पॉइंट का प्रेशर आएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, तो पी एटमोस्फेरिक तो होगा ही होगा, प्लस मान लो ब्लैक कलर की डेंसिटी रो वन है और ग्रीन कलर की डेंसिटी रो टू है, तो रो वन इंटू जी इंटू एच वन प्लस रो वन इंटू जी इंटू एच, इस लिक्विड का और इस लिक्विड का प्रेशर ऐड कर दिया एच रो जी, और बी पॉइंट का प्रेशर बोलो क्या आएगा, बी पॉइंट का प्रेशर आएगा एच पी एटमोस्फेयर तो होगा ही होगा एच टू रो टू जी प्लस एच रो वन जी एच रू वन जी, ऐसे होगा, चेक कर लो। क्लियर है यहां तक? तो अगर ये इक्विलिब्रियम में तो यहां का प्रेशर डिफरेंस और यहां का प्रेशर डिफरेंस एग्जैक्टली सेम आएगा, या यहां और यहां का प्रेशर एग्जैक्टली सेम आएगा। सोचो अगर यहां का प्रेशर ज्यादा हो जाए इससे तो लिक्विड ऐसे पुश करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो सारी गेम ऑफ प्रेशर डिफरेंस है। अगर प्रेशर सेम है लेफ्ट और राइट के बिल्कुल बॉटम का तो ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्लियर है यहां तक? एक केरोसिन है मान लो, एक वाटर है, ऐसा हो गया तो ना मिक्स होने वाली लिक्विड है, क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, आपने एक चीज नोट की, जब मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूं तो ये वाली और ये वाले प्रेशर की वैल्यूज को तो फालतू में ही ले रहा हूं, कोई फायदा नहीं हो रहा, चेक कर लो, ऐसे हो रहा है ना, क्योंकि वो तो कॉमन पार्ट देंगे ही देंगी, पता ही है वो तो ऐसे ही हो रहा है। तो आप एक चीज देखो, ये लाइन का मतलब क्या था, इस लाइन का ये मतलब था कि अगर मैं ए और बी पॉइंट भी लेता, चलो अगर मैं ये दो पॉइंट लेता हूं, मैं नहीं इनको कैंसिल करता, तो ये और ये प्रेशर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या थी, सेम थी ना, मानते हो सेम थी? तो अगर ये सेम थी तो मैंने अननेसेसरी एच रो जी का स्टेप किया, तो कट ही जाना था पता ही है, तो मैंने क्या किया, एक लाइन खींच ली, ठीक, एक लाइन खींच ली, और अगर मैं इन दोनों प्रेशर को इक्वल मानता हूं तो एच रो जी वैसे भी कैंसिल होने वाला है वाला पॉइंट का, तो इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का प्रेशर भी एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। आप चेक कर लो, क्यों, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट यहां शिफ्ट कर देते हो और ये यहां शिफ्ट कर देते हो तो आप ये वाले कंपोनेंट को ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, कैंसिल, आप छोड़ रहे हो ना उसे, उसको लेके फायदा तो हो नहीं रहा, क्योंकि ये वाला और ये वाला प्रेशर जो है रो वन एच रो वन जी एच रो वन जी, आप अगर कंसिडर करते हो तो आपके पॉइंट ए और बी बन जाते हैं, और अगर आप ये पॉइंट लेते हो तो ये ऑटोमेटिकली हटा देता हूं मैं, आप इन्हें हटा दो या पॉइंट को इन्हें लेके इक्वेट कर दो तो भी इन्होंने तो कैंसिल होना ही है। ये स्टेप समझ में आया?
अच्छा फिर से ए और बी रख लें दो पॉइंट, अगर ए और दो पॉइंट बी पॉइंट है इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करके ये कैंसिल हो गया, ये प्रेशर कैंसिल हो गया, तो ये पॉइंट यानी कि यहां शिफ्ट नहीं हो गया, कम हो गया ना प्रेशर, और ये यहां से भी ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया, इसका मतलब सी और डी पॉइंट का प्रेशर भी एग्जैक्टली सेम है, ए और बी का सेम था तो ये प्रेशर इंक्रीज कर दिया गया बाय सेम अमाउंट, या उल्टा भी ट्रू है, जब मैं ए से सी पे जा रहा हूं बी से डी पे जा रहा हूं तो सेम प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं बाय सेम अमाउंट, तो सी और डी का प्रेशर भी एग्जैक्टली सेम है। तो ये शॉर्टकट याद रखेंगे, ये कैलकुलेशन काम की नहीं है, शॉर्टकट है कि आज के बाद अगर आपको कोई ऐसी ट्यूब दी जाए जिसमें दो किस्म के लिक्विडों एक और ये दो लिक्विड हो, सबसे पहला काम पता है क्या होगा, जहां पर ये जो पॉइंट मिलेगा आपको जहां पर क्रॉस और ये डैश मिल रहे हैं, यहां से एक लाइन खींच लो, इस लाइन खींच के ये जो पॉइंट सी और डी आएगा, सी और डी आएगा, सी और डी का प्रेशर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा सेम, ये शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव में लगाया जा सकता है, ठीक। अगर नहीं याद रहा कोई बात नहीं, यहां और यहां का प्रेशर इक्वल कर देना यार, तब भी आंसर तो सेम ही आना है, एक स्टेप फालतू कर लेना, पर आपकी बुक्स अगर यहां का प्रेशर सेम बोलती हैं तो प्लीज आप समझ जाना कि यहां का प्रेशर क्यों सेम है, क्योंकि ये वाला और ये वाला प्रेशर एग्जैक्टली दोनों तरफ से सेम कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है।